अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। तो आज हमने कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में घी को गरम करेंगे। इसमें हम दो इलायची डालेंगे। अब इसमें हम चना दाल को उबाल के ग्राइंड करके रखा था, इसको डाल देंगे। अब इसको चलाते जाएंगे। अब इस टाइम आप आंच को स्लो रखें, नहीं तो जल जाता है। अब हम शक्कर डालेंगे। आप टेस्ट के हिसाब से शक्कर डालिएगा। आप जितना मीठा खाते हैं उसके हिसाब से आप डालिए। अब चैनल में आप पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसको चलाते जाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए जब तक ये हमारा शक्कर मेल्ट ना हो जाए, तब तक चलाते जाए। अब हम इसमें मिल्क डालेंगे। फिर से आप इसको चलाते जाए। इसको चलाते जाए। अब देखिए हमारा हलवा बनके रेडी हो गया। अब इस टाइम गैस को ऑफ कर दीजिए, नहीं तो जल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से रेडी हो गया हमारा हलवा। अब इसको ठंडा करने देंगे। प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा। अब हम इसको शेप देंगे। आप चाहे तो किसी भी शेप दे सकते हैं। अब ये देखिए, हमने इसको हम लड्डू जैसा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चना दाल के लड्डू रेडी हो गया। अब इसको खा सकते हैं आप, ऐसे भी खा सकते हैं। अब इसमें ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ये देखिए हमारा चना दाल के लड्डू रेडी हो गया। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।